हेलो दोस्तों, आप सभी को सुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है राधा रतूड़ी, यानी राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए राधा रतूड़ी। ऋतु बारी ये कौन है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है हाल ही में। राहत चौहान ये पुदुचेरी का नया मुख्य सचिव बने हैं। रंजन प्रकाश देसाई ये उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बनी है। अब देखिए, हाल ही में नियुक्त किए गए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अलक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। जितेश जॉन को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। के एस रेड्डी को हैदराबाद पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार शतरंज जूनियर वर्ल्ड नंबर एक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है आर प्रज्ञानंदन, यानी फिडे द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार शतरंज जूनियर वर्ल्ड नंबर वन आर प्रज्ञानंदन बने हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी आर प्रज्ञानंदन। अब देखिए, डी गुकेश इनका तीसरा स्थान है, निहाल सरीन इनका छठा स्थान है और रौनक साधानी इनका सातवां स्थान है। यानी फिडे द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार शतरंज जूनियर वर्ल्ड नंबर एक आर प्रज्ञानंदन बने हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है अभिनव बिंद्रा, यानी पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता हैं और पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी खेल सूची में शामिल किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में फ्रांसीसी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा? और इसका सही आंसर है कोलकाता, यानी कोलकाता में फ्रांसीसी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 16 से 24 फरवरी तक किया जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? और इसका सही आंसर है पंजाब, यानी पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने निजी कारणों से पद से इस्तीफा दिए हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए पंजाब। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर
थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में आयोजित इंडियन मार्केटिंग अवार्ड्स का 10वां संस्करण में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है हरीश भट्ट। यानी हरीश भट्ट को मुंबई में आयोजित इंडियन मार्केटिंग अवार्ड्स का 10वां संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए हरीश भट्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण 10 से 22 सितंबर 2023 तक का आयोजन कहां किया जाएगा? और इसका सही आंसर है हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी। यानी फिडे शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण 10 से 22 सितंबर 2024 तक बुडापेस्ट हंगरी में आयोजन किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी बुडापेस्ट हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है बेमोमित्र। यानी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष रोबोट या रोबोट अंतरिक्ष का नाम बेमोमित्र है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी बेमोमित्र। बेमोमित्र एक सांस्कृतिक नाम है जो दो शब्द से बना है, बेमो का मतलब अंतरिक्ष और मित्र का मतलब होता है दोस्त, से मिलकर बना है। भारत की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री बेमोमित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के पहले अंतरिक्ष उड़ान भरेगी, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर देश की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी बेमोमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में किस INS को नौसेना में शामिल किए हैं? और इसका सही आंसर है INS संधायक। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में INS संध्याक को नौसेना में शामिल किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए INS संध्याक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अपूर्व चंद्रा। यानी अपूर्व चंद्रा को परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी अपूर्व चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति हेज हिंगोब का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? और इसका सही आंसर है नामीबिया। यानी नामीबिया के राष्ट्रपति हेज हिंगोब का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी नामीबिया। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहोक। और नामीबिया की मुद्रा क्या है? नामीबिया डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत में पहले स्थान पर कौन है? और इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। यानी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत के पहले स्थान पर मुकेश अंबानी हैं और वैश्विक स्तर पर मुकेश अंबानी द्वितीय स्थान पर हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुकेश अंबानी। अब देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वां स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वां स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर है।
और ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत 103वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है? और इसका सही आंसर है 2024, यानी 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 4 फरवरी, यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 2000 में हुई थी। इसे पहली बार 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित किया गया था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी 4 फरवरी, यानी विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2024 क्लोज द कैंसर गैप। अब देखिए, 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था और 3 फरवरी को राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया था। अब करेंट अफेयर्स रिवीजन में काल के करेंट अफेयर्स 4 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है पवन कुमार, यानी पवन कुमार को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए पवन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है सुधांशु पंत, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुधांशु पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रविंद्र कुमार त्यागी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति रितु बाहरी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए रितु बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति मणिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, यानी इसका सही आंसर होगा ए न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है बी आर कंबोज, यानी बी आर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी आर कंबोज। अच्छा, एमएस स्वामीनाथन को
भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? करपरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सी, करपरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वेश विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है अनाहत सिंह, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनाहत सिंह। यानी स्क्वेश वुमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन 2023 का खिताब अनाहत सिंह ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिक तोसिसेदी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? और इसका सही आंसर है कांगो, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कांगो गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष किया है? और इसका सही आंसर है झारखंड, यानी झारखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया, 2018 में उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और इसका सही आंसर है पद्म भूषण पुरस्कार, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पद्म भूषण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 3 फरवरी को, यानी राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस हर साल 3 फरवरी को मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 फरवरी।